हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजश्री आपका मज्जूस किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक महाराष्ट्रीयन सुपर फेमस ऐसी रेसिपी लेके आ रही हूँ और रेसिपी ऑन डिमांड जो सबको अच्छी लगती है बट किसी किसी को बनाने आती नहीं है या फिर रेसिपी पता नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ प्रॉपर महाराष्ट्रीयन स्टाइल पिठलं एंड मिर्ची का ठेचा। चलिए तो फिर देखते हैं, सबसे पहले मिर्ची का ठेचा देन पिठलं। तो आज मिर्ची का ठेचा बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगने वाली है वो है मिर्ची, 7 मिर्चियां ली है मैंने यहाँ पे, लहसुन, चॉप्ड कोरिएंडर, धनिया के पत्ते, तेल और नमक। बस इतनी ही सामग्री में आपका मिर्ची का ठेचा रेडी हो जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये मिर्चियां जो है वो रोस्ट कर लेते हैं, बिना ऑयल डाले हम इसे रोस्ट करने वाले हैं। इसे रोस्ट होने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये अच्छी तरह से रोस्ट होनी चाहिए। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मिर्ची आपको तीखी वाली नहीं लेनी है, जो एकदम हरी वाली तीखी आती है छोटी छोटी वो नहीं लेनी है, तो कम तीखी वाली जो आती है वो ही लेनी है, नहीं तो आपका ठेचा बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मिर्ची थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिर्चियां निकाल ली है। अब हम मोटर और बेसन लेंगे और इसे हम अभी इसे कूटेंगे। पहले 2 मिनट तक हम मिर्चियां पीस लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मिर्चियां थोड़ी बहुत पीस ली है दरदरी। अब हम इसमें वो गार्लिक हम ऐड करते हैं और अब इसे भी पीस लेंगे। मैंने 6 मिर्चियों के लिए 5 लहसुन की कलियां यूज की है, मीडियम साइज मिर्चियों के लिए मैंने यहाँ पर 2 रख दी है। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। हम इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर मिक्सर में पीसेंगे तो फिर वो एकदम ही फाइन पेस्ट हो जाएगी जो हमें नहीं चाहिए, और मोटर और पेसल से पीसने के बाद इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है इंस्टेड ऑफ मिक्सर। सो हम इसे अच्छी तरह से पहले पीस लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से पीस चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर। ये मैंने बनाना 1/2 टेबल स्पून जितनी कोरिएंडर ली है। अब हम इसे भी पीस लेंगे और इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे पीस लेते हैं। अब ये पूरा पीस के हो चुका है। कोरिएंडर डालने के बाद हम ज्यादा नहीं पीसेंगे, हल्का हल्का पीस के उसको रख देंगे। अब हम इसमें डालते हैं ऑयल। ये 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे हम इसमें। आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, लेकिन कच्चा ही लेना है, उसे गर्म करके हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और इसे सर्व कर लेते हैं। ये आपका मिर्ची का ठेचा रेडी हो चुका है। तो आज पिठलं बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगेगी वो है मिर्चियां, लहसुन, कोरिएंडर, ऑयल, जीरा, हल्दी, ये एक मीडियम साइज का प्याज है और चिकपी फ्लावर जिसे हम चने का आटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेस्ट बना लेते हैं। उसमें हम डालेंगे मिर्चियां, ये मैंने कम तीखी वाली 3 मिर्चियां ली है मीडियम साइज। इसमें हम डालेंगे 6 लहसुन की कलियां। इसमें डालेंगे हम कोरिएंडर, धनिया के पत्ते, ये 1 टेबल स्पून के करीब धनिया के पत्ते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो मैंने डाला है मिर्ची, लहसुन, धनिया के पत्ते और जीरा। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। हमें इसकी दरदरी पेस्ट करनी है। ये पेस्ट हमने ऐसे कर ली है। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम डालेंगे प्याज।
प्याज को हल्के से भून लेंगे हम। ये प्याज थोड़ा सा गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट। अब ये हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। हमें इसमें हल्दी ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि इसका कलर थोड़ा बहुत हमें हरा ही रखना है, ज्यादा पीला नहीं रखना है। तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम इसमें। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक प्याज और मसाला अच्छी तरह से भून नहीं जाता है। अभी भून चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 ग्लास। ये मैंने मिक्सर के जार में ही पानी ले लिया है, इसे हम डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे हम इसमें। आप इसमें मिर्ची का ठेसा जो हमने बनाया था सबसे पहले वो भी डाल सकते हो अगर आपको और तीखा पसंद है तो। अब हम इसे एक अच्छी तरह से उबाल आने देंगे, अच्छा उबाल आना चाहिए बहुत। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे चने का आटा। अब आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम गैस स्लो कर देते हैं। याद रखना है गैस स्लो करना है आटा डालते वक्त। अब हम हाथ से थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आपके पास ऐसा विस्कर हो तो वो भी ले सकते हो आप, या फिर चम्मच से भी इसको हिला सकते हो। हमने इसमें 1/2 कप ही चने का आटा यूज किया था। अब ये मिक्स करके हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसे और एक उबाल आने देंगे। फिर अगर आप नमक चखना चाहते हो तो ये स्टेज पर आप नमक चख के कम ज्यादा हो तो डाल सकते हो। अब ये उबाल आ जाए तो हमारा पिठला रेडी है। तो इसी तरह हमारा महाराष्ट्रियन स्टाइल पिठला और मिर्ची का ठेसा रेडी है। आप इसे ज्वार या बाजरी की रोटी के साथ खा सकते हो। बीट रोटी के साथ इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो आप जरूर ट्राई करना पर ज्वार या बाजरी के रोटी के साथ। तो गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए पिठला भाकरी एंड मिर्ची का ठेचा। तो हमारी रेसिपी रेडी है, चलिए अभी चख के देखते हैं। ये रेसिपी चाहे महाराष्ट्रियन हो या गुजराती सभी को पसंद आती है। लग रही है ना रेसिपी टेम्पटिंग? जरूर ट्राई कीजिए, जरूर बनाइए और आपका फीडबैक majeskitchen@gmail.com पे हमें बताइए। धन्यवाद।